हेलो वॉशनगर्स, वेलकम बैक टू स्पाइक रिएक्शन। तो भाई किंग भाई का नया ट्रैक आ चुका है, मतलब कि लास्ट ट्रैक आ चुका है द गोरिल्ला बाउंस एल्बम से, तेरा हुआ ना कभी। हाई बॉन की फीचरिंग है, प्रोडक्शन भाई हमेशा की तरह सेक्शन 8 ने किया है, मिक्स मास्टर एस शिव ने किया है, एंड एक आठ ट्रैक में शायद तक प्रोडक्शन भी थी। सो लेट्स गो, देखते भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड हाई बॉन को भाई देखेंगे किस टाइप के आर्टिस्ट ने। मैं पहली बार सुन रहा हूँ तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर तुम भाई किंग भाई के फैन हो, हाई बॉन के फैन हो, सेक्शन 8 के फैन हो या फिर एस शिव के फैन हो, भाई इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो, एंड किंग्स क्लैन की हो तो भाई थोड़ी किंग्स वाली तो प्रवृत्ति दिखा दो यार, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कर दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक वाला, नहीं अच्छी लगती बेफिक्र डिसलाइक मार दियो, ठीक है। तो लेट्स गो, बूम मचाते हैं। किंग्स क्लैन, यो लेट्स गो, द गोरिल्ला बाउंस। एंड इसके बाद शायद तक क्या और आइडिया ना एल्बम, क्या नाम उसका, एंड भाई ये वाला सीन देखे, अगर टीजर तुम देखे हो तो उसमें मैं पाब्लो बोल दिया था, बाकी जो कि भाई आर्टिस्ट का नाम पाब्लो पिकासो था तो मेरे को भाई, और ट्रैक का नाम पिकासो था तो पता नहीं भाई कहाँ से पाब्लो, ठीक है। अगर नहीं देखा देख लियो अगर मन हो तो। डैम चल किसी और का सही, मुझसे खफा हो के तू जो गई, कहना ना तूने क्यों रोका नहीं, मैं रह लूंगा तुझसे जुदा होके भी, पर मुझ जैसा मिलना तुझे ना कभी, तेरा हुआ ना मैं कभी, चल किसी। भाई बीट का जो वो करे एलिमेंट ऐड कर दिया यार भाई, बहुत सही लग रहा है। एंड उसके बाद भाई जो स्टोरी लाइन चल रही थी एंड बीच में, बीच के कहा तो ट्रैक में से छूट भी गए थे एंड एंड क्या भाई, मेरे को स्टोरी अभी लास्ट वाली वहीं तक थी ना शायद तक, वो छोड़ के जा रही थी एंड फिर बीच में भाई इधर उधर के ट्रैक आ रहे थे, तो भाई अब लास्ट स्टोरी है मतलब कि ख़त्म भाई, टाटा बाय बाय, तो अब तेरे बगैर भी हम लिए जी सकते हैं। सो लेट्स गो, लेट्स गो। सॉरी ना तूने क्यों रोका नहीं, मैं रह लूंगा तुझसे जुदा होके भी, पर मुझ जैसा मिलना तुझे ना कभी, तेरा हुआ न मैं कभी, चल किसी और का ही सही, हाँ हो गए हम दीवाने ये बहाने, झूठा ना तुझसा कोई, तेरा हुआ न मैं कभी, चल किसी और का सही, हो गए हम दीवाने ये बहाने, झूठा ना तुझसा कोई, ना तुझसा कोई। भाई ये वाला बार देखिए यार, मतलब किस तरीके से भाई उसकी राइटिंग देख रहे हो, मतलब कि तेरा बहन मैं खुद भाई एक नंबर भाई, मेरे को भाई पर्सनली बहुत सीख लगा, देख रहे हो मतलब कि हम किसी और के हो गए, ये बहाने देके तू हमें छोड़ना चाहती थी, लेकिन चल ठीक है तेरे को ही मुबारक, एक बार और सुन लेते भाई मैं थोड़ा। और पीछे करना पड़ेगा कहाँ से भाई ये जैसा मिलना तुझे ना कभी, तेरा हुआ न मैं कभी, चल किसी और का ही सही, हाँ हो गए हम दीवाने ये बहाने, झूठा ना तुझसा कोई, तेरा हुआ न मैं कभी, चल किसी और का सही, हो गए हम दीवाने ये बहाने, झूठा ना तुझसा कोई, ना तुझसा कोई, वो ना तुझसा कोई। भाई एक और बार पॉज, इसलिए कि भाई जो बीट है भाई वो टिपिकल जो किंग टाइप की रहती है भाई, उस टाइप में थोड़ी सी थोड़ा सा हट कर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते भाई कमेंट सेक्शन है, भर दो जो तुम्हें भरना। गलती इतनी सारी थी तुमने करी, और करके गलती एक भी मानती हो नहीं। मिक्स मास्टर भाई टॉप नॉच भाई, मिक्स मास्टर देख रहे हो मतलब कि जो भाई बात है उसको भाई डिले करके, एक तो भाई इसमें सॉरी भाई राइट में पहन के इस इधर तुम्हें नहीं समझ में आएगा भाई, मैं तुम्हें बोलता हूँ भाई ओरिजिनल को सपोर्ट किया कर, ओरिजिनल अगर तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई, एक बार भाई राइट में पहन किया एंड सेकेंड बार भाई लेफ्ट में पहन किया डिले के साथ, तो अमेजिंग भाई सही है मिक्स मास्टर तगड़ा वाला। मेरे हिस्से की जो थी खुशी वो सबको हो जाके क्यों बांट दी, अब मैंने लौट के तेरे पास है आना नहीं, सोया नहीं काफी रातों से जागू मैं, ख्वाबों में किया बेकाबू है उसके इस जादू में, सुन के हैरान हूँ मैं, क्या तुझे अब भी याद हूँ मैं, मुझसे भाई कितना भाई कितना रोक चुका हूँ,
हद से ज़्यादा ऊपर से ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है भाई। यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, सही आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है, हाई बॉर्न भाई, क्या सही राइटिंग है। एंड भाई उसके साथ जो मेलोडी आ रही अमेजिंग। एंड इसके बाद भाई एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पे तुम मेरे को ना ये सुन के ना, एक आर्टिस्ट है अगर तुम जानते होगे भाई, मुफासा रेक्स करके, अगर नहीं जानते भाई सर्च करना भाई, बहुत सही आर्टिस्ट है। मैं उसको भाई उनके ना जब 100 सब से तब से फॉलो कर रहा हूँ, एंड भाई बहुत सीखे भाई, उनके लोफाई टाइप जो ट्रैक रहते हैं सुनना भाई, मज़ा आ जाएगा एक बार भाई। बहुत सही आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है भाई मुझे पर्सनली भाई, यहाँ का तो अभी तक तो भाई सही लग रहा है, लेकिन इसको कहरान हूँ मैं, क्या तुझे अब भी याद हूँ मैं, मुझसे खफा हो के तू जो गई, कहना ना तूने क्यों रोका नहीं, मैं रह लूंगा तुझसे जुदा होके भी, मुझे समझना तुझे ना कभी, तेरा हुआ ना मैं कभी, चल किसी और का ही सही, ना हो गए हम दीवाने, ये बहाने झूठे तुझा कोई, तेरा हुआ ना मैं कभी, चल किसी और का सही, हो गए हम दीवाने, ये बहाने झूठा ना तुझा कोई, ना तुझा कोई। एक बैंस कितना रोक रहा हूँ भाई, ये जो भाई जो हुक है ना, मुझे ऐसे लग रहा है भाई किंग भाई का नहीं भाई, हाई बॉन्ड का है। क्योंकि हाई बॉन्ड के जो भाई भाई मुझे पर्सनली, तुम्हें जो लगता है भाई बता सकते हो अगर कमेंट सेक्शन में बोल रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो स्पीड कर रहे हैं ना भाई हाई बॉन्ड का, जाइ भाई किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे पर्सनली भाई हाई बॉन्ड का ज़्यादा सही लग रहा है। ऐसे लग रहा है भाई हाई बॉन्ड का ही ये क्या बोलते हैं भाई, ट्रैक या फिर बोल सकती है अब भी भैंस ये हो, कोरस कोरस ले लेते हैं भाई, क्या मेरी वोकेबलरी की तो। ये बहाने झूठा ना तुझसे कोई, ना तुझसे कोई, ना तुझसे कोई। आंखों में छुपाता जो पल मेरे सामने सच कभी नहीं आते, और भूल चुका था ये सच, दिल टूटे गम लौट के नहीं जाते, अब क्या ही बताएं, सच बस रू एक मेरे लगे सारे छूटे, और दुख भी हुआ जब तारों से ज्यादा थे सपने हमारे, मैं तभी फिर रातों में लेके उन बातों को, हाथों में लेके जो तोड़े उन ख्वाबों को, थोड़ा हैरान हूँ मैं, क्या तुझे अब भी याद मैं, भले तुम मेरा ना भी साथ दो, चाहे दिल औरों में बांट दो, तुम रह लेना मुझसे खफा होके भी, पर मुझे ऐसा मिलना तुझे ना कभी, तेरा हुआ ना मैं कभी, चल किसी और का ही सही, हाँ हो गए हम दीवाने, ये बहाने झूठा ना तुझसे कोई, तेरा हुआ ना मैं कभी, चल किसी और का सही, हो गए हम दीवाने, ये बहाने झूठा ना तुझसे कोई, ना तुझसे कोई, ना तुझसे कोई। खत्म ओके, चल डायरेक्ट क्रेडिट्स ओके भाई, क्रेडिट वगैरह ये तो भाई म्यूजिक है भाई, क्या भाई क्या ही बोलो यार। हुक मेरे को भाई बहुत सही लग रहा था, बाद में भाई थोड़ा रिपीटेटिव था, लेकिन फिर भी भाई सही लग रहा था, सही साउंड कर रहा था। एंड वर्सेस भाई बहुत तगड़े थे यार। एंड भाई जो राइटिंग है ना भाई इधर उधर भाई कई खतरनाक भाई, मुझे पर्सनली बहुत सही लगी। एंड दोनों के वर्सेस अच्छे थे। एंड कोरस भाई, कोरस ये बोलूँ या फिर हुक बोलूँ, मैं खुद थोड़ा चल रहा हूँ तो भाई भाई क्या ही बोल, हुक बोल देते भाई। हुक ना थोड़ा सा भाई मेरे को ना, मुझे पर्सनली भाई, मुझे मेरा दोस्त है भाई, मेरा दोस्त है जो भाई मुझे हाई बॉन्ड का भाई मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है भाई। सबके अपने अपने चॉइसेस होते हैं, तुम्हें भाई पता नहीं किसका अच्छा लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन आओ ना भर दे, लेकिन मुझे भाई हाई बॉन्ड का ज़्यादा सही, उनके भाई वोकल्स ज़्यादा सही साउंड कर रहे थे। एंड दोनों के भाई वैसे अच्छा लग रहा था, दोनों के अच्छा लग रहे थे, लेकिन ठीक है वर्सेस भी अच्छे थे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डायरेक्शन। एंड अगर तुम्हें डायरेक्शन देखने में भाई थोड़ा सा भी इतना 1% भी मज़ा आया हो, मज़ा नहीं भी आया तो फिर भी भाई सब्सक्राइब कर दो, और लाइक डिसलाइक जो तुम्हारी स्वेच्छा कर देना, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी भाई इन तीनों में से किसी में क्लिक करो, जाओ देखो और अच्छा सपोर्ट दिखा देना। एंड हाई बॉन्ड भाई बहुत सीख काम है भाई, बहुत सीख लगा मुझे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इन तीनों में से किसी में। पीस आउट यो।